हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड लेसन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इसका जो शीर्ष रह गया था हमारा पोलर रीजन तक हो गया था, ध्रुवीय क्षेत्र तक हमने कर लिया था। ध्रुवीय क्षेत्र की आगे अब हम स्टडी करेंगे हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा वाले क्षेत्र, जू, जो एनिमल्स जो शीत निद्रा में कैसे रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक बियर्स, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं बियर्स की तरह, स्नेल की तरह, एंड लिजर्ड स्लीप ड्यूरिंग द कोल्ड वीदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम कोल्ड। वो वीदर, कोल्ड वीदर में यानी कि जो ठंडी का मौसम होता है उस मौसम में प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम कोल्ड, वो सोते रहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो अच्छे शीत निद्रा में सोते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, विंटर स्लीप यानी कि सर्दियों में सोने वाले, या हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज अ डीप विंटर स्लीप इनटू एन एनिमल गोज व्हेन द वेदर कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। जो हमारे हाइबरनेशन एनिमल्स होते हैं, इज डीप विंटर स्लीप इनटू एन एनिमल गोज व्हेन द वेदर कंडीशन आर नॉट फेवरेबल, यानी कि वो जब तक सोते रहते हैं जब तक कि जो वेदर है, जो मौसम है, उनके लायक नहीं हो जाता है। दिस हेल्प देम टू कन्वर्ज देयर एनर्जी टिल फूड इज अवेलेबल अगेन। ये उन्हें कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के रूप में, भोजन के रूप में, कि इन्हें दोबारा से प्राप्त हो सके। ड्यूरिंग दिस टाइम दे यूज टू स्टोर अ फूड यूजुअली फैट इन देयर बॉडीज। वो इस अवस्था में, ड्यूरिंग दिस टाइम, वो इस समय इस स्थिति में यूज द स्टोर अ फूड, वो उस फूड को स्टोर करते हैं यूजुअली फैट इन देयर बॉडीज, जो उनकी बॉडीज का फैट होता है उसको वो इस कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्वाटिक एनिमल यानी कि जलीय जानवर, जो जल में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक्वाटिक एनिमल, एनिमल दैट लिव इन वाटर आर नो एज एक्वाटिक एनिमल, यानी कि ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल के नाम से जानते हैं। सभी लोग जानते हैं जैसे फिश है, स्नेल है, टर्टल है, क्रैब्स है, ETC आदि, यानी कि मछली, स्नेल्स, टर्टल, ये सभी जीव हमारे पानी में रहते हैं, आर आल एक्वाटिक एनिमल्स, ये सभी एक्वाटिक एनिमल्स हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू ब्रीथ, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिससे कि ये सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ देयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। जो मछलियाँ होती हैं जो सांस लेने में सहायक करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, यानी जिसके द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं उसे हम गिल्स कहते हैं। दे हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विमिंग एंड बैलेंस इन वाटर, उनके फिन्स होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में सहायक करते हैं और उनका बैलेंस बनाए रखते हैं। इट्स टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, डॉल्फिन एंड व्हेल डू नॉट हैव गिल्स। इट्स टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, और जो इनकी टेल होती है वो इनकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। जैसे ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन से मूव अदर डायरेक्शन में जाना है तो उनकी टेल इसमें हेल्प करती है। डॉल्फिन एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जैसे कि डॉल्फिन है, व्हेल्स है, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ एज दे हैव लंग्स।
दे हैव टू कम अप द वाटर सरफेस, और वह क्या करती हैं, किसके द्वारा सांस लेती हैं, लंग्स के द्वारा सांस लेती हैं। जब इन्हें सांस लेने की जरूरत होती है तो ये पानी के सरफेस से बाहर निकल आती हैं और अपने लंग्स के द्वारा सांस कर लेती हैं, ब्रीथ करती हैं। बर्ड्स लाइक डक्स हैव विब्स फीड विच हेल्प देम टू स्विंग। बर्ड्स लाइक क्रेंस ईगल्स एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम टू बेड इन विंटर वाटर। देयर लॉन्ग बीक्स हैव देम कैच फिश अंडर द वाटर। बर्ड्स जो होते हैं जैसे डक है, ठीक है, इनके बेब फीड होते हैं जो इन्हें तैरने में सहायक करते हैं, लंबे पैर होते हैं जो इन्हें आसानी से तैरने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स लाइक क्रेंस इकरेट्स फ्लेमिंगोज एंड लॉन्ग हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम टू बेड इन वाटर। देयर लॉन्ग बीक्स हेल्प देम कैच फिश अंडर द वाटर। और इनकी जो लॉन्ग बीक होती है, जो लॉन्ग बीक होती है वो इनकी हेल्प करते हैं फिश को कैच करने में, पकड़ने में अंडर द वाटर। ओके, नेक्स्ट हमारा एम्फीबियंस।